अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन टीयर्स ऑफ नेचर, जो कि एक पोइम है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पोइम के एमसीक्यूज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको पेपर में एमसीक्यूज का ही आएगा, जिसमें आपने करेक्ट आंसर चूज करना होगा और आपको 4 ऑप्शन उसके दिए जाएंगे, इसी तरह से ए बी सी एंड डी करके, और आपने उसको अच्छे से और सोच समझ के राइट आंसर पे टिक करना है। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है, राइट द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्वेशन। और फ्रेंड्स, मैंने आपकी सहूलत के लिए जो राइट आंसर है उनको इस तरह से हाईलाइट कर दिया है हर एमसीक्यूज में, ताकि आप लोग जब याद करें तो आपको आसानी हो। अब यहाँ वो हमसे पूछ रहे हैं सिनोनिम लिखिए प्रिजर्वेशन का। सिनोनिम का मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिनोनिम का मतलब होता है हम मायनी लफ्ज़ या मुतरादिफ। तो प्रिजर्वेशन का हम मायनी लफ्ज़ क्या है? प्रोटेक्शन, यानी कि हिफाजत करना, क्योंकि प्रिजर्वेशन का मतलब भी यही होता है, बचाओ या ख्याल करना। प्रोटेक्शन का मतलब भी यही है। नंबर 2 एमसीक्यूज है हमारे पास, राइट द सिनोनिम ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज का हम मायनी लफ्ज़ क्या है, यानी कि नस्ल का। तो इसका राइट आंसर है ग्रुप ऑफ लिविंग्स, जानदार चीज़ों का ग्रुप। नंबर 3 है हमारे पास, राइट द सिनोनिम ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी कि आलूदगी का मुतरादिफ क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब भी यही होता है, आलूदगी और नजासत वगैरह। नंबर 4 है हमारे पास, और वाज इट वन मोर ब्रोकन फॉलिंग डैश, कि क्या ये टूटा हुआ क्या था, गिर रहा था जो। तो राइट आंसर है ए, ट्री, कि टूटा हुआ दरख्त था जो गिर रहा था। नंबर 5 एमसीक्यूज है हमारे पास, वी डेवलप रॉकेट शिप्स दैट डैश, कि हमने जो रॉकेट बना लिए हैं, रॉकेट के जहाज बना लिए हैं, वो क्या करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, फ्लाई, के जो उड़ते हैं हवा में। नंबर 6 अब हमारे पास एमसीक्यूज है, कोल फायर्ड चिमनीज रीचिंग अप सो डैश, कि कोयले से चलने वाली जो चिमनी है, उनकी जो चिमनियां हैं, जो कोयला हम जलाते हैं, उसकी चिमनियां कहाँ तक पहुंच गई हैं, रीचिंग अप सो हाई। राइट आंसर है बी, हाई, के बहुत ऊंचाई तक उनकी चिमनियां पहुंच गई हैं। नंबर 7 है हमारे पास, हेडलाइंस वन मोर डैश सेट टू डाई, ये भी आपकी पोईम में से है, कि एक से ज़्यादा क्या, राइट आंसर है स्पीशीज, के एक से ज़्यादा जो नस्लें हैं सेट टू डाई, वो मरने के करीब हैं। नंबर 8 है हमारे पास, बर्निंग कोल पोल्यूट्स वेयर इज डैश इज बेटर सोर्स ऑफ पावर, कि जो हम कोयला जलाते हैं पोल्यूट्स, उससे आलूदगी पैदा होती है, वो आलूदगी पैदा करता है, जबकि क्या चीज़ बेहतर जरिया है ताकत हासिल करने का। तो इसका राइट आंसर है सन, यानी कि शमसी तवानाई जो है वो बेहतरीन जरिया है ताकत का, पावर का। नंबर 9 एमसीक्यूज है अब हमारे पास, द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू द नेचर्स क्राई अगेंस्ट डैश, कि शायर हमसे क्या चाहता है कि हम जो फितरत का रोना है वो सुने, किसके खिलाफ क्या सुने हम। इसका राइट ऑप्शन है ए, ब्लाइंड प्रैक्टिस ऑफ पोल्यूटिंग, के आलूदगी का जो अंजाम कार है वो हम सुने फितरत के रोने के खिलाफ। तो राइट आंसर है ए। नंबर 10 है अब हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक नेचर एक्चुअली क्राइज फॉर, आप क्या सोचते हैं कि फितरत जो है वो वाकई किसके लिए रो रही है। तो इसका राइट आंसर है बी, अस, हमारे लिए, हम इंसानों के लिए रो रही है वो। नंबर 11 है अब हमारे पास, द पोइम टीयर्स ऑफ नेचर इज़ रिटन बाय डैश, कि अब जो ये हमारी पोइम हम जो पढ़ रहे हैं जिसके एमसीक्यूज, ये किसने लिखी है, इसके राइटर का नाम क्या है। तो राइट आंसर है ए, ग्रेम किंग। नंबर 12 एमसीक्यूज है अब हमारे पास, कोल फायर्ड डैश रीचिंग अप सो हाई, कि जो हम कोयला जलाते हैं उसकी क्या चीज़ सबसे ऊपर पहुंच गई है। तो राइट आंसर है चिमनीस, के कोयला जलाने की जो चिमनियां हैं वो बहुत ऊंचाई तक चली गई हैं। नंबर 13 है हमारे पास, आई थिंक जस्ट हियर्ड मदर नेचर डैश, कि ये तो फिक्रा उन्होंने बार बार पोईम में रिपीट भी किया है हर स्टेंजा में, कि मैंने, मेरा ख्याल है मैंने क्या सुना है फितरत माँ को क्या होते हुए। राइट आंसर है सी, क्राई, यानी कि रोते हुए सुना है, चिल्लाते हुए, चीखते हुए सुना है। नंबर 14 है हमारे पास, वी डोंट बॉदर टू प्रिजर्व फ्यूचर फॉर मैनकाइंड बिकॉज डैश,
कि हम जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं होते अपना जो मुस्तकबिल है उसको महफूज करने के हवाले से, क्योंकि क्यों राइट आंसर है बी, वी डोंट थिंक इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि हम नहीं सोचते कि ये इतनी अहमियत देने वाली बात है, इसलिए हम अपने फ्यूचर को ज़्यादा प्रिजर्व नहीं करते। नंबर 15 और लास्ट MCQs है हमारे पास, दे टेल एस देयर इज़ अ बिग होल इन द डैश, कि वो हमें बताते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सुराख है। कहाँ पर बड़ा सुराख है? इन द स्काई। राइट ऑप्शन है डी, स्काई। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी पोइम टीयर ऑफ नेचर्स के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ये आपने इसी तरह से याद करने हैं, तो इसमें से मे बी कोई आपके पेपर में आ जाए।